की क्लास में होम टाइम पे कहाँ तक हो गया था? साइंस फाइल तक कंप्लीट हो गया था, इंसर्ट और डिलीट हो गया, आ गया समझ, आ गया सभी को? ठीक है, अब इस किसको नहीं है? आप कल आए नहीं थे, तो आपको कैसे आए? क्या क्या नहीं, क्लास हमेशा लगती है, ऐसा कभी नहीं होता क्लास में। अगर टीचर नहीं आते, तो कोई और टीचर पढ़ा देता, लेकिन क्लास ऐसा नहीं होता कि कभी क्लास नहीं। ठीक है, ठीक है, एक बार हम रिपीट करा देते हैं। देखिए, यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन से आपका कर सकते हो, सेल इंसर्ट कर सकते हो, सीट इंसर्ट, रो इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो और सीट इंसर्ट कर सकते हो। और इसी तरह से ऑप्शन है डिलीट, यहाँ से जो आप चीजें इंसर्ट कर सकते हो उनको डिलीट कर सकते हो, डिलीट ऑप्शन से। और ये ऑप्शन आपको राइट क्लिक करके इंसर्ट और डिलीट दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आप किस तरह कर सकते हो, यहाँ पर अपन एक फॉर्मूला इंसर्ट करा लेते हैं। बताइए क्या है फॉर्मूला, अपन को क्या लेना है? इक्वल आर ए एन टी, ठीक है, और नीचे वाला रैंक बिटवीन। या तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं। बॉटम में आप क्या लिखेंगे, जहां से आपको चाहिए कॉमा लगाएंगे। इसका पूरा सिंटेक्स दिया हुआ है, बॉटम में क्या लेंगे अपन 50, फिर इसके बाद क्या है कॉमा, तो अपन लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। टॉप में अपन लिख देते हैं 100, तो हमें क्या चाहिए 100 से 50 से 100 के बीच में संख्याएं चाहिए। एंटर करेंगे और इसको साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, ड्रैग कर देंगे। अरे ठीक है, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, बस इतना करना है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन, यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, ओनली एक हमारा कोई सा भी सेल सिलेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में जा रहे हैं, अगले क्या है इंसर्ट सेल्स। अगर आप इस पर, सेल क्या होता है, ओनली एक कोई सा भी बॉक्स, ठीक है। अगर आप इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर आप यहाँ से एंटायर रो या फिर एंटायर कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो या तो आपके सामने एक रो आ जाएगी, और एंटायर कॉलम करेंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन हम शिफ्ट सेल्स राइट या शिफ्ट सेल डाउन करेंगे, हमें ओनली एक सेल चाहिए, यहाँ पर एक सेल यानी कि एक ही बॉक्स चाहिए। तो ये वाला जो सेल है इसका क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं तो अपन को भेजना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन लिए, शिफ्ट सेल्स राइट। इस पर राइट पर क्लिक करके ओके करोगे तो आपका यहाँ का जो सेल है वो राइट में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू सेल इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिया है डिलीट में, ये वाला सेल हमें डिलीट करना है, सिलेक्ट है ही पहले से, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, शिफ्ट सेल्स अप, ठीक है। इस पर अपन अप कर दोगे तो क्या होगा, नीचे वाला सेल ऊपर आ जाएगा और यहाँ का सेल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हमें इसको वापस लेकर आना, इसलिए हम कर रहे हैं शिफ्ट सेल राइट, सॉरी लेफ्ट, और इसको ओके कर देते हैं। देखो लेफ्ट में जो सेल चला गया था वो वापस यहाँ आ गया, यहाँ का सेल डिलीट हो गया। अगर आपको ये वाली रो डिलीट करनी है तो आप यहाँ से रो सेलेक्ट कर, सॉरी इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर दोगे। अगर एक सिलेक्ट है तो एक होगी, दो सिलेक्ट करोगे तो दो या तीन चार जितने भी सिलेक्ट करोगे उतनी रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इनको डिलीट करना है तो आप यहाँ से जाकर डिलीट सीट रोज पर क्लिक कर दोगे तो ये सभी रोज डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको कॉलम करना है तो अभी एक ही कॉलम सिलेक्ट है, एक से ज्यादा कॉलम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमें दो कॉलम इंसर्ट करने हैं, हमने दो कॉलम सिलेक्ट किए, यहाँ पर हम जा रहे हैं इंसर्ट सीट कॉलम, दो कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट सीट कॉलम्स पर क्लिक कर, ठीक है। इसी इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पर जा रहा है इंसर्ट सीट, यहाँ पर अभी देख रहे हैं सीट वन है। अगर आपको एक और सीट चाहिए तो आप इंसर्ट सीट पर क्लिक करेंगे, एक और सीट आ जाएगी। प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं तब भी आ जाती है। अगर आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर दोगे तो ये वाली जो सीट है वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ से आप सिलेक्ट करके डिलीट सीट कर सकते हो, लेकिन कौन सी सीट डिलीट होगी जो आपने अभी सिलेक्ट है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद नॉर्मल यहाँ से तो थोड़ा सा मुश्किल होता है करना, आप क्या करोगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दो रो इंसर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे यहीं पर और इंसर्ट पर क्लिक कर दोगे, रो इंसर्ट हो जाएगी। आपको कॉलम इंसर्ट करना है, यहाँ से दो या तीन जितने भी कॉलम करना है सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इंसर्ट पर क्लिक करो। इसी तरह से डिलीट करना है, पहले क्या करोगे, क्लिक करो, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ से डिलीट पर क्लिक करो, ठीक है। इसी तरह से इनको भी डिलीट कर सकते हो, राइट क्लिक और डिलीट। लेकिन
अगर आपका इस तरह से सिलेक्ट करोगे तो समझ जाएगा कि आपने रो सिलेक्ट करी है तो आपको रो ही इंसर्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट किया तो कॉलम इंसर्ट करना है, डिलीट करना। लेकिन ओनली एक सेल सिलेक्ट होगा, राइट क्लिक करोगे और डिलीट कर इंसर्ट करोगे या डिलीट करोगे तो इस तरह से देगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको ओनली इसका मतलब है कि आप सेल इंसर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, जो ऑप्शन वहां पर है यही ऑप्शन, वही ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, आ गया समझ में। अब इसके बाद अगला है इसमें फॉर्मेट, फॉर्मेट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रो हाइट, रो हाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्या है, रो है, रो की हाइट कितनी है 15 है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो, हम यहाँ से कर देते हैं 20, लिख देते हैं ओके कर देते हैं, आप देख रहे हैं रो की साइज बढ़ गई, ठीक है। और आप कैसे बढ़ा सकते हो, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, यहाँ पर क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हो। अब आपको पता लगा ना रो की हाइट कितनी है, क्लिक करो फॉर्मेट पर जाओ, रो हाइट पर क्लिक करो 38.25, ठीक है। अगर आपको चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मतलब अगर आपको रो की साइज मतलब हाइट पता लगानी है तब भी आप ये यहाँ से कर सकते हो, या फिर आपको रो बढ़ानी है कम करनी है तो भी कर सकते हो। लेकिन सरल तरीका क्या है, साइड में जो जिस भी रो की आपको हाइट बढ़ानी है कम करनी है, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओ और उसको नीचे की साइड या ऊपर की साइड कर दो तो वो बढ़ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस रो को नॉर्मल करना है, तो फॉर्मेट पर जाओ, यहाँ पर आ रहा है ऑटो फिट रो हाइट, इस पर क्लिक करोगे तो आपका जितना इसके अंदर कंटेंट है यानी आपकी जितनी भी जगह है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओ, जहाँ से अपन रो की हाइट बढ़ाते हैं वहीं से आप डबल क्लिक करके इसकी हाइट नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे इतना। इसी तरह से है कॉलम की विड्थ, ये रो की क्या रहती है, हाइट रहती है, और कॉलम की क्या रहती है, चौड़ाई यानी कि विड्थ रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन चलते हैं फॉर्मेट पे, कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो इसकी विड्थ है 8.43। अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम करनी है तो कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से चाहे तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं जितनी आपको बढ़ानी है, ठीक है। और यहाँ पर सेम वैसा ही ऑप्शन दिया है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी कॉलम के अंदर जितना भी कंटेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक जो है इस तरह से हैश हैश दिख रहा है, जहां पर भी आपको ये इस तरह से हैश दिखता है उसका मतलब ये रहता है कि इसमें कुछ है लेकिन वो सही से उसके लिए जगह नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर साइड में जाओ, माउस पॉइंटर लेकर जाओ, डबल क्लिक कर दो या फिर थोड़ी सी इसको बड़ी कर, नॉर्मल हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई भी कंटेंट लिखा हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लिख लिया, इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है इसको हमें ऑटो फिट करना है कि ऑटोमेटिक फिट हो जाए, तो आप क्या करोगे, वैसे तो क्लिक करके भी कर सकते हो, आपको क्या करना है, आप डबल क्लिक करोगे तो इसमें जितना भी कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक फिट हो जाता है, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों सेम ऑप्शन है, ठीक है, आ गया इतना समझ में क्लियर। अब इसके बाद आता है डिफॉल्ट विड्थ, इस पर आप जाएंगे तो इसकी जो डिफॉल्ट में विड्थ है, डिफॉल्ट यानी पहले से ही सेव है कि इतनी आनी चाहिए, जब भी आप कोई न्यू सीट लो, न्यू रो लो, कॉलम लो तो इतनी आनी चाहिए। लेकिन आप इसमें चेंज करना चाहते हो कि 8.43 नहीं आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए, आप यहाँ सेलेक्ट कर दोगे, इसको हटाना पड़ेगा, एक अकेला रहने दो, 10 और ओके। तो अब हमेशा कितनी सभी रो की जो सभी यहाँ पर जितनी भी आपके पास कॉलम है उन सभी की क्या आनी चाहिए, 10 होनी चाहिए विड्थ। तो यहाँ से आप डिफॉल्ट में सेलेक्ट कर सकते हो, इतना क्लियर है रो का और कॉलम का। सरल तरीका क्या है कि आप बस क्या करोगे, आपका जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको फिट करना, यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओ, डबल क्लिक कर दो तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑटो फिट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर अगला ऑप्शन है आपका हाइट, सो एंड हाइट, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, पहले यहाँ पर हमने लिखा एस एन, यहाँ पर हमने इसमें लिखा 1 और इसमें लिख दिया हमने 2, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, साइड में माउस पॉइंटर लेकर गए और यहाँ से ड्रैग कर दिया, और यहाँ पर इसमें भी अभी बता देते हैं आपको, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर लिखा 2, ठीक है। इन दोनों को कहाँ पर, बीच में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, क्लिक करेंगे और इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ तक है, मतलब जो भी आपने नंबर लिखे यहाँ तक है, आपसे ड्रैग नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओ, डबल क्लिक कर दो तो जहां तक आपका कंटेंट है वहां तक वो क्या कर लेता है, ले लेता है, जितनी भी सीरीज है ले लेता है। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके ड्रैग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको ऑटो फिट कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं 1 से लेकर 11 तक है हमारे पास, लेकिन हम क्या चाहते हैं, ये कुछ रो ऐसी हैं इनको हम हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं। सिलेक्ट करेंगे,
फॉर्मेट पर जाएंगे,